प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित शाह। और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे, बल्कि चर्चा करेंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे देश के लिए प्लानिंग कर रखी है उस पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। हाजिर हूँ और मेरे साथ आज जो हाजिर हो रहे हैं वो काफी दिन के बाद हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर आ रहे हैं डॉक्टर अंकित शाह। किसी दारों के मोहताज इसलिए नहीं है कि जनाब इनकी प्रेडिक्शंस दूर दूर तक फैली हुई हैं, बहुत से प्रोग्राम्स में अपीयर होते हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। जी जय श्री राम। जी जी नमस्कार और थैंक यू कि आपने वक्त निकाला। आपसे आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहेंगे, तो मैं देख रही थी कि आप जैसे कि प्रेडिक्ट करते हैं बहुत सारी बातें जो एक आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते, और इसके अलावा जो इस वक्त चल रहा है आगे क्या होगा फ्यूचर में, तो बिग चेंजेस इन भारत टिल 2029 या इन 2029, यानी कि 2029 तक इंडिया में क्या बड़ी चेंजेस आने जा रही हैं या होंगी। तो इस हवाले से आपकी जो है वो बड़ी रिसर्च है, बड़ी स्टडी है आपकी, और आप बहुत कुछ कहते रहते हैं इसके ऊपर। तो मैं भी आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम भी जानना चाहते हैं, वैसे तो हमें नजर आता है कि इंडिया में वैसे ही बहुत बहुत बड़ा चेंज हर डेली बेसिस पे आता है, डेवलपमेंट्स इतनी बड़ी हो रही है, इंडिया जहां पर इस वक्त पहुंच चुका है तरक्की में, लेकिन क्या इससे भी आगे जाने वाला है और क्या बड़ी चेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए आलिया जी, हमें पहले तो ये समझना है दर्शकों को कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, ये जो इलेक्शन है 2024 वाला, ये ग्लोबल लीडर का इलेक्शन हो रहा है, ये हम नेशनल लीडर इलेक्ट करने नहीं जा रहे। तो जब हम ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ वो बड़े चेंजेस भारत के लिए प्लान्ड है, बट वो बड़े चेंजेस पूरे विश्व के लिए प्लान कर रहे किए जा रहे हैं। तो जब हम विश्व की बात करते हैं तो हर एक देश की बात हो रही है। लोकली अगर आप देखोगे तो भारत के जितने भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसके परमानेंट सॉल्यूशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ये थर्ड टर्म में, जो 2029 तक हम बताते हैं कि वो सारे प्रॉब्लम्स, मैक्रो प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व कर दिए जाएंगे परमानेंटली। तो और प्रधानमंत्री जी तो क्लियर बताते हैं कि 1000 साल का जो प्लानिंग है उस हिसाब से जो अचीवमेंट होना चाहिए उस हिसाब से पॉलिसी को ट्वीक किया जाएगा इस थर्ड टर्म में। तो चाहे वो एडुकेशन सेक्टर की बात हो रही है, डॉक्टर अंकित आप ये कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का टारगेट की प्लानिंग 1000 साल तक है आगे। देखिए एक चीज तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जो मैं 2 साल से मैं बताता आ रहा हूं और अब तो उन्होंने भी बता दिया उनके इंटरव्यू में, जो डेट वाइज प्लान उनके पास 2047 तक का तो है, वो तो डेट वाइज प्लान हाँ। वो उन्होंने मान भी लिया है, लेकिन जब वो 1000 साल की बात कर रहे हैं तो वो उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम सनातन बोलते हैं। सनातन मीन्स दैट इज वैलिड टिल इटर्निटी। ओके, तो अगर आपके बेसिक प्रिंसिपल्स जिससे गवर्नेंस होता है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नेंस की बात हो रही है, इंटरनल गवर्नेंस की बात हो रही है, चाहे वो इलेक्शन फॉर्मेट की बात हो रही है, चाहे वो किस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स होगी, बजटिंग की बात हो रही है, किस प्रकार का डिफेंस होगा उसकी बात हो रही है, तो पॉलिसी में ऐसे फंडामेंटल चेंजेस जो आपको 1000 साल तक रेलेवेंट रहेंगे, उस प्रकार के चेंजेस की बात हो रही है। तो और ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए आलिया जी, बिकॉज 1800 साल से भारत अकेला पूरे विश्व को 27% ऑन एन एवरेज जीडीपी देता था, मतलब लास्ट 2000 साल का जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके पीछे तो हम जाते भी नहीं, क्योंकि हिस्टोरियंस बोलेंगे
उसके पीछे भी 25,000 साल जितना हिस्ट्री है, लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि लास्ट जो 2000 साल का हिस्ट्री है उसमें तो सब कोई अग्री करता है कि 1800 साल तक 27% ग्लोबल जीडीपी को अकेले भारत ने दिया, ये तो हर कोई मानता है। तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हम उस प्रकार की प्लानिंग के लिए कैपेबल है। अब समझने वाली इसमें बात यह है कि 1947 में जो हुआ, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकली नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस, 15th August 1947, हम इसको नहीं मानते। हम मतलब जो कोई भी एक सनातन विश्व में बिलीव करता है, जो सबकी अच्छाई के लिए सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास की बात जो करता है पूरे विश्व का, वो कभी अग्री नहीं करेगा 15th अगस्त 1947 वाले पॉलिटिकली नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस को। हम मानते हैं कि हमारा सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस डे जो है वो 22nd जनवरी 2024 है, जिस दिन राम मंदिर का जहां पे जो पूरा विधि हुआ। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं सिविलाइजेशनल रिपब्लिक डे का, और वो दिन तब आएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिफिशियली वर्ड्स इम्पोज कर दिए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, उसको हटा के जब धार्मिक, फैमिलिस्ट और ह्यूमनिस्ट शब्द का प्रयोग होगा, तब हम मानेंगे हमारा सिविलाइजेशनल रिपब्लिक डे हुआ। ठीक, तो ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट से ही शुरू हुई, क्योंकि वो हमारा टेम्पलेट था ही नहीं, ये वेस्टर्न टेम्पलेट जो इम्पोज कर दिया गया, जो शब्द है स्वतंत्र, स्वतंत्र शब्द का अर्थ होता है कि सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस तो तब होगा ना जब नेटिव्स का धर्म का रिप्रेजेंटेशन होगा उस डॉक्यूमेंट में, जो अभी नहीं है। तो वो पहले आर्टिकल कुछ गलत है। सवाल यहाँ पे अभी जो आपने बात की कि वो जो उस वो वाले अल्फाज जो है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से या वहां से डॉक्यूमेंट से हटाकर, तो क्या डेमोक्रेसी को जवाब, तो डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी। डेमोक्रेसी तो भारत पहले से था, वो वर्ड जब बना नहीं तब भी से था, क्योंकि अच्छा। हमारे वेस्ट की तरह नहीं था कि वुमेन को अभी वोटिंग राइट्स मिला हो। तो हमारा जो जनपद वाला स्ट्रक्चर था, महाजनपद और जनपद वाला स्ट्रक्चर, तो वुमेन वर मोर एम्पावर्ड देन इवन मेन। तो इन्वेडर्स आने से पहले वही हजार साल के प्लानिंग की बात हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट से ही भारत डेवलप होगा। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि 1000 साल पहले जब इन्वेडर्स आए, उससे पहले भारतीय विमेन जो थी, दे वर द रिचेस्ट बिजनेस टाइकून्स ऑन अर्थ, ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो सारे जो सेक्टर्स थे इकोनॉमी के, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, टेक्सटाइल हो, फार्मिंग रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग हो, सिल्क रूट जो एंशियंट था, ये सब कुछ विमेन डोमिनेटेड हाउसहोल्ड सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी थी, जिससे हम 27% वर्ल्ड के जीडीपी को दे रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी का फोकस वापस वही वुमेन एम्पावरमेंट पे है, जो हमें वापस वही ले जाएगा, जो जॉब मॉडल को डाइल्यूट करेगा और एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को फोकस बनाएगा। तो आज जब विश्व में जो हम बड़े बड़े इनोवेशंस वेस्ट के देखते हैं, चाहे वो गूगल हो, अमेजोन हो या माइक्रोसॉफ्ट है, तो वो क्यों हो पाया? क्योंकि उनके पास सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस था, तो वो लो इंटरेस्ट रेट लोन्स दे पाए इनोवेशंस को। तो प्रधानमंत्री जी ने यही इंटरिम बजट में, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1,00,000 करोड़ का कॉर्पस साइड पे रखा है फॉर 50 long years, ऑलमोस्ट 0 to minimum रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन मिलेगी जिस जिसको इनोवेशन करना है, जिस को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। और मैं मानता हूं ये 1,00,000 करोड़ से कहीं आगे जाके जूम होने वाला है जब ये इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट बजट जब आप सुनोगे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो ये रोड मैप है कि 1000 साल का रिवर्सल, हमें वापस वही जाना है, वही कोर सेक्टर्स की वैल्यूएशंस वापस चाहिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप लेड सोसाइटी चाहिए, क्योंकि ये जो जॉब मॉडल एम्पावरमेंट जो आया वो 400 साल में आया, जब पाउंड जो है सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस का बिगनिंग हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो हम इसको एक 400 साल का रिवर्सल देख रहे हैं और 1000 साल का रिवर्सल देख रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया उस शब्द का कि 1000 साल तक की प्लानिंग। तो आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने वुमेन रिजर्वेशन डाला है,
पार्लियामेंट के लिए, और नेक्स्ट वाले इलेक्शन में आप देखोगे वो रिजर्व सीट्स में सारी घोषित की जाएगी डिलिमिटेशन कमीशन के साथ, सारी विमेन जो है वो पार्लियामेंट में जाएंगी, और यही मातृशक्ति जो है हमारे सारे प्रॉब्लम्स जो है उसका परमानेंट सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि जब फाइनेंस विमेन के हाथ में आता है और वो भी एंटरप्रेन्योरशिप लेड विमेन के हाथ में, तो आपकी सोसाइटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, जैसे बर्थ रेट वाला प्रॉब्लम, सेक्स रेशियो के डिफरेंशियल का प्रॉब्लम, जैसे रिजर्वेशन वाला प्रॉब्लम है, तो और जो रेडिकलाइजेशन वाला प्रॉब्लम है, ये सारे बड़े मैक्रो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट होगा एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल के साथ। तो प्रधानमंत्री जी ने एक छोटा सा टेस्ट कर भी लिया है जिसको वो बोलते हैं लखपति दीदी, और नेक्स्ट टर्म में 2029 तक प्लान है कि 4 करोड़ लखपति दीदी भारत में होंगी, तो ये जो उनका विजन है। अमेजिंग, वंडरफुल, ये जो वहां पे महिलाओं को जिस तरीके से उनको तरक्की दी जा रही है, आगे रखा जा रहा है, उनकी वुमेन एम्पावरमेंट जैसे हमें नजर आ रही है, जैसे कि हमने देखा कि चंद्रयान 3 को जब लॉन्च किया गया, उसके बाद आदित्य जब लॉन्च हुआ, तो उस उनके पीछे हमें पता ही चला कि जो डायरेक्टर्स काम कर रही हैं वो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी और अंकित शाह जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने ना सिर्फ चर्चा की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, जो कि पुराने वक्त में दुनिया के सबसे बड़ी जीडीपी में योगदान किया करता था, यानी कि 20% से ज्यादा योगदान सिर्फ भारत का होता था विश्व की इकोनॉमी में, और दूसरी ओर आपने देखा अंकित शाह साहब ने बात की मोदी जी के प्लानिंग के बारे में, 2047 की प्लानिंग तो हम सब जानते ही हैं, पर मोदी जी ने ऐसी प्लानिंग कर रखी है कि भारत को अगले 1000 साल में कहां लेकर जाना है, ये पूरा मोदी जी के दिमाग में है, इसी के बारे में आपने देखा अंकित शाह जी ने जबरदस्त डीप एनालिसिस किया, और दूसरी ओर इन्होंने बात की महिला शक्ति की, तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज भी हमारे भारत में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक महिला है, यानी सीतारमन जी की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर महिला शक्ति की अगर बात करें तो भारत में पूरी अपॉर्चुनिटीज आजकल महिलाओं को मिल रही है, जैसे कि हमने देखा अंकित शाह साहब ने भी बात की लखपति दीदी के बारे में। तो इस पूरे डिस्कशन के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।